घर को नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना कोई उतना भी मुश्किल टास्क नहीं है। अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं और उसको अपनी रेगुलर हैबिट्स में लाते हैं तो हम भी अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो मैं हूँ रितु और स्टार्ट करती हूँ आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको फॉलो करके आप भी अपने घर को मेरे घर की तरह ऑर्गेनाइज और क्लीन रख सकते हैं। हम सभी के घर में एक मेडिसिन का कोना जरूर होता है जिसमें होती हैं ढेर सारी मेडिसिन्स, बट हम इस कोने पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि घर के और कोनों पे देना चाहते हैं। इस कोने को भी प्रॉपर क्लीनिंग की, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की टाइम टाइम पे ज़रूरत होती है। मैं अपने मेडिसिन के कॉर्नर को टाइम टाइम पे देखती रहती हूँ, इवन 2-3 महीने में एक बार तो इसको प्रॉपर टाइम 10 से 15 मिनट का टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक अपने मेडिसिन्स को मैं रखती थी देखिए एक ऐसे बास्केट में जो कि वैसे ओपन है, बट इसमें ओपन होने के कारण इस बास्केट में मेडिसिन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चली जाती हैं। बास्केट काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि कुछ दवाइयाँ लीक करती रहती हैं। अब बास्केट को हटा के अभी मैं दवाइयों को रखूँगी एक ऐसे बॉक्स में और दवाइयाँ लीक करते रहती हैं। बॉक्स का सरफेस मीन्स जो बेस है वो गीला ना हो, इसके लिए मैं लगा रही हूँ इसमें टिशू पेपर ताकि जो भी दवाइयाँ लीक करे टिशू पेपर उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब सारी दवाइयों को मैं चेक करूँगी। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है, तो हर 1 से 1.5 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में हमको दवाइयों को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कौन से दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल गई है। सारी दवाइयों को चेक करके एक्सपायर्ड दवाइयों की डीक्लेटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में कुछ देखिए दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं। अब इनको अगर हम दवाइयों के बॉक्स में रखते हैं तो ये काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो बेस्ट यही है कि देखिए इनका बॉक्स हटा दें और सिर्फ ट्यूब को रखें ताकि कम स्पेस में ये ऑर्गेनाइज हो सके। सारी दवाइयों का एक्सपायरी डेट मैंने चेक कर लिया है और दवाइयों के बॉटल्स को, डब्बों को अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी ताकि जो भी इनमें चिपचिपाहट वगैरह लगा हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। साथ ही मैं इसमें रखूंगी एक टिशू पेपर जो कि काम आएगा। कुछ दवाइयाँ क्या होती है ना कि कभी कभी लीक होती हैं, तो ऐसी दवाइयों को साथ के साथ साफ़ करने में ये टिशू पेपर हेल्प करेगा। अभी मैंने ये बंद बॉक्स का यूज़ किया है क्योंकि कभी कभी कुछ दवाइयाँ लीक कर जाती हैं और टेस्ट में मीठे होने के कारण चींटियों के लगने का खतरा होता है, तो अगर हम ऐसे बंद बॉक्स के अंदर दवाइयों को रखेंगे तो हमारी दवाइयां बहुत अच्छे से सेफ स्टोर होंगी। मॉनसून का सीज़न आते ही हमारे फ्रिज को एक और टास्क दे दिया जाता है और वो है ग्रॉसरी स्टोर करने का। हमारी बहुत सारी ग्रॉसरी ऐसी होती हैं जो मॉनसून के सीज़न में बाहर ख़राब हो जाती हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं उनके लिए फ्रिज, जैसे कुछ मसाले हो गए, कुछ और चीज़ें हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनको हम लोग फ्रिज में स्टोर करके रखना बेस्ट समझते हैं। बट अगर हमारा फ्रिज छोटा है और उसमें ऐसे हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जगह तो ऑक्यूपाई करते ही हैं, साथ में देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इनको स्टोर करने के लिए हम लोग एक इस तरह के बॉक्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बूंदी के पैकेट्स हैं, साथ में कुछ आइसक्रीम बनाने का सामान है जो कि मैंने फ्रिज में स्टोर किया है, और मसाले भी हैं जो कि बाहर ख़राब होने का चांसेस रहता है, ये सौंफ है जिसमें घुन वगैरह लग जाता है, तो ऐसी चीज़ों को मैं नॉर्मली फ्रिज में स्टोर करना बेस्ट समझती हूँ और हम में से बहुत लोग करते हैं ये काम। ड्राई फ्रूट्स को भी मॉनसून के सीजन में फ्रिज में स्टोर करना बेस्ट ऑप्शन होता है। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह के बास्केट का यूज़ करके इन चीज़ों को स्टोर करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें एक तो एक साथ आ जाएंगी, कभी भी ज़रूरत पड़ा तो हम इनको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, साथ में हमारा फ्रिज जो है नीट एंड क्लीन लुक भी देगा, इधर उधर सामान बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा जैसे
जैसे कि अभी मेरे फ्रिज के डोर में नजर आ रहा था। तो ये बॉक्स मेरे बहुत काम आने वाला है फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने में। आप लोगों का भी फ्रिज छोटा है और ऐसी चीजें रखते हैं आप लोग फ्रिज में, तो एक बॉक्स का प्रॉपर यूज करके रखिए, आपका फ्रिज बहुत वेल ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन दिखेगा। हर किसी के घर का मंदिर और मंदिर का सामान, पूजा पाठ का सामान उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और वो होती हैं उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। हो सकता है आपके मंदिर का सामान, आपके पूजा पाठ का सामान मेरे मंदिर के सामान से ज़्यादा हो या कम हो, बट अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करें तो हम अपनी चीज़ों को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मंदिर के पास एक एरिया ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे हम पूजा पाठ से रिलेटेड सारे सामानों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखें। ये एरिया आप लोग क्लीन तो रखते ही होंगे जैसे कि मैं रखती हूँ, बट इसमें कुछ प्रॉपर चीज़ों को अगर हम फॉलो करें ना तो हम इस एरिया को और भी स्टडी रख सकते हैं। जैसे मंदिर के कपड़े तो हम सभी के मंदिर में लगते हैं, कुछ बिछाने के हो सकते हैं, कुछ भगवान के ओढ़ने के हो सकते हैं, या कुछ जो चुन्नियाँ वगैरह होती हैं, लहंगेज होते हैं, ये सब हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर हम एक बॉक्स में इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सेट करके रखते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तो हो ही जाती हैं, साथ में जो कपड़े वगैरह रहते हैं एकदम क्लीन रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ पूजा पाठ की सामग्री भी होती है, जैसे धूप हो गया, कपूर हो गया, रुई की बत्तियां हो गई, सरसों का तेल हो गया, उसमें भीगी हुई बत्तियां, प्रसाद, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें, चंदन, टीका, इन सब चीज़ों को एक साथ मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ इस ऑर्गेनाइजिंग बास्केट में। ये एक्चुअली में एक ट्रे के जैसे है बट थोड़ा सा गहरा सा है, इसमें सारा सामान बहुत अच्छे से आ जाता है। 100 रुपये का ये बास्केट मैंने डीमार्ट से लिया था जो मेरे पूजा के सामान को स्टोर करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। बहुत अच्छा बास्केट है बट इसमें लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही सामानों को रख दिया था, घी तेल वगैरह थोड़ा सा लीक हो रहा था जिससे इसका बेस गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैं अभी टिशू पेपर यूज़ कर रही हूँ, अभी तो मैंने टिशू पेपर लगा दिया है बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको क्लीन करूँगी प्लास्टिक सीट यहाँ पर लगाऊँगी जिससे जो भी तेल वगैरह लीक होता है इसके बेस पे ना लगे। हमारे पास मंदिर के सामान में कुछ एक्स्ट्रा सामान भी आ जाता है, जैसे महीने भर के लिए एक्स्ट्रा अगरबत्तियां मैं लेकर के आती हूँ, तो इन सभी को एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगरबत्तियों को उनके कार्डबोर्ड बॉक्स से निकाल के ऐसे पैकेट्स में मैं इस ऑर्गेनाइजिंग बास्केट में रख देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद के भी पैकेट्स होते हैं, धूप होती हैं, सम्रानी कप्स होती हैं, जिनको उनके बॉक्स के अलावा एक्स्ट्रा मैं ले कर रख हूँ, और ये रुई की बत्तियाँ हो गई, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। आपके घर में अगर हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर स्पेस है तो आपका घर डेफिनेटली वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा, वो भी बिना किसी एफर्ट्स के। तो अपने घर के हर चीज़ों के लिए एक प्रॉपर स्पेस ज़रूर डिसाइड करके रखिए और आपकी चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगी। हम सभी को चाइनीज़ खाना, इटालियन खाना कितना पसंद होता है, इवन मेरे घर में भी सारे फैमिली मेम्बर्स को इन चीज़ों का बहुत शौक है। बाहर के खाने से बेस्ट ऑप्शन है कि हम इन चीज़ों को धीरे धीरे घर पे बनाने की ट्राई करते रहें और नए नए चीज़ें सीखते रहें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसके लिए लगते हैं ढेर सारे सॉसेस जिनको मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ। चीज़ें जल्दी से बन जाएँ इसके लिए सारी चीज़ों का हैंडी होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक साथ होना भी ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं रखती हूँ एक ऐसा लेजी सुजन। ये अमेजोन से ऑर्डर किया था मैंने, बट कुछ सॉसेस वगैरह होती हैं ना जो इसके बेस पे गिर जाती हैं, तो इसके लिए देखिए मैंने एक प्लास्टिक सीट कट कर लिया है ताकि इसका बेस गंदा ना हो। अब जब भी सॉसेस वगैरह लीक होंगी, थोड़ा सा गिर जाएंगी, बस इस प्लास्टिक सीट को मुझे क्लीन कर देना होगा और सारी चीज़ों को मैं इस लेजी सुजैन में ऑर्गेनाइज कर लूँगी। अगर हम जो भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं उस पर हम प्रॉपर बेस का यूज़ करें तो चीज़ें देखिए हमारी लॉन्ग लाइफ हो जाती हैं। चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ प्रॉपर क्लीनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहीं पे भी आप कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखे हैं तो टाइम टाइम पे उसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ऐसी क्लीनिंग करते रहने से आपकी चीज़ें फ्रेश भी रहती हैं। तो ये लेजी सुजैन जो है ना, ऐसी सब चीज़ों को देखिए रखने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सारी मेरी चाइनीज़ और इटालियन से रिलेटेड चीज़ें एक साथ मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी, और हाँ इसको रखती हूँ मैं फ्रिज के ऊपर जिससे इसको रोटेट करके एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपका किचन बड़ा है, किचन में अगर आपके स्टोरेज ज़्यादा है तो आप किचन में ही स्टोर करके रख लीजिए, अदरवाइज आप इसे फ्रिज के ऊपर भी रख देंगे ना तो एक्सेस करना काफ़ी आसान रहेगा। ऐसे छोटे छोटे हैंड टॉल्स बहुत ही मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत ही चीज़ों में यूज आ जाते हैं, तो जब भी मार्केट जाती हूँ ऐसे टॉल्स वगैरह दिखते हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बट इनको ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। नॉर्मली इनको जैसे हम लोग फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखते हैं वार्डरोब में तो ये फिसल जाते हैं, एक टॉल को यूज़ करने से दूसरा भी जाता है और सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या करना है, अपने टॉल को चार बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर बीच से फोल्ड करते हुए एक पार्ट को दूसरे पार्ट के अंदर फंसा देना है। इससे इनका फोल्ड खुलता नहीं है और ये बहुत अच्छे से किसी भी बास्केट में या ऐसे ही डायरेक्ट रखे जा सकते हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बट ये मेथड हो सकता है कुछ लोगों के लिए टाइम टेकिंग लगे, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे जो कि है रोलिंग मेथड। इसको ऐसे फोल्ड करके बस रोलिंग करते हुए छोटा छोटा सा ऐसे कुशन जैसे बना लेना है, देन आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइजिंग बास्केट में रख दीजिए। बिल्कुल भी इनका फोल्ड ख़राब नहीं होगा, देखने में भी बहुत स्टर्डी लुक देगा और ऑर्गेनाइज भी लगेगा आपका वार्डरोब। जब भी मार्केट वगैरह जाती हूँ इस टाइप की बास्केट भी लाके रख लेती हूँ। ये बास्केट बहुत ही चीप रेट में मिल जाती हैं बट हमारे बहुत काम की होती हैं। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना हो, किचन में कुछ ऑर्गेनाइज करना हो, कहीं पे भी ये बास्केट बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख देती हैं। चाहे बच्चों के हैंकीज हो, हैंड टॉल्स हो, अंडर गारमेंट्स हो, छोटी छोटी चीज़ों को ये बहुत अच्छे से सेट कर देती हैं और हमारा वार्डरोब भी नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एंड अमेजिंग होम ऑर्गेनाइजेशन, होम मेकिंग टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।